अरे वाह, अपने फुरफुरी नगर में पहली बार ऐसा एक्वेरियम आया है। भाई मैंने तो सुना है कई सौ तरह की फिशेस हैं उस एक्वेरियम में। जल्दी चलते हैं इससे पहले कि भीड़ और बढ़ जाए। चलो चलो। आंटी, मेरी बॉल। अरे अगर वो एक्वेरियम से टकरा गई तो एक्वेरियम टूट जाएगा और सब मछलियां खत्म हो जाएंगी। अरे कोई इस गाड़ी को रोको। अरे अपनी जान बचाओ। जाए। पर तुम्हें ऐसे बॉल के पीछे रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। मामू, आपका एक्वेरियम भी तो गोल मटोल है, उसे भी पकड़ कर रखना वरना फिशेज उसे लेकर भाग न जाए। बाय बाय। मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे एक्वेरियम को टूटने से बचा लिया। मैंने तुम दोनों को नौकरी देकर कोई गलती नहीं की। गार्ड्स, ये कार यहाँ से हटाओ जल्दी। चिंगम सर, हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें एक्वेरियम के केयर टेकर का काम मिल गया है। बूढ़ी बाबा, मोटे पतलू, तुम दोनों तो फिशेस को एकदम पास से देख पाओगे। तुम दोनों अगर हमको पहले बताया होता कि तुम्हें एक्वेरियम के केयर टेकर का काम मिला है तो हम भी जरूर करता। हम अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना सुंदर एक्वेरियम कभी नहीं देखा। भाइयों और बहनों, तैयार हो जाइए समंदर की अंदर की दुनिया को बिल्कुल करीब से अनुभव करने के लिए। मोटे, जल्दी चलो, हमें शो से पहले फिशेस को दाना भी तो खिलाना है। आज तक आपने इतनी सुंदर फिशेस टीवी या किताबों में ही देखी होंगी। आ, 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 आ,
हेलो एवरीबॉडी, अब आपके सामने आ रहे हैं डांसिंग ऑक्टोपस। लेट्स द शो बिगिन। अच्छा ब्रेक डांस किया। सच में ये शो तो कमाल है। थैंक यू। जिंदगी कभी खुशी तो कभी गम है, पर यही तो जिंदगी का रंग है। अब आपके सामने आने वाली है क्राइंग फिश। Thank you. The show is over for now. उम्मीद है आप सबको शो पसंद आया होगा। अरे सुनहरी फिश, तुम तो बड़ी ही खूबसूरत हो, फिर रोने की एक्टिंग क्यों करती हो? तुम तो लोगों को बहलाने के लिए और भी अच्छे अच्छे करतब दिखा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं खुशी खुशी रो रही थी? वो मेरे दिल की आवाज थी जो आंसू बनकर निकल रहे थे। मुझे अपने परिवार, अपने लोगों की याद आ रही थी। तुम लोगों के लिए तो किसी का रोना भी कर्तव्य है ना? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे लाया गया है। तुम इंसानों की तरह मेरा भी एक परिवार है, अपने लोग हैं। हमारी दुनिया में एक हमारे अलावा और भी पानी के जीव हैं। उन्हीं में से एक है ऑक्टोपस क्वीन। ऑक्टोपस क्वीन हमारे सुनहरे रंग से हमेशा जलती आई है, इसलिए उसने अपनी ताकत के दम पर मेरे परिवार के कितने लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन सभी उसके गिरफ्त में हैं। हमारी पूरी की पूरी जाति ही ऑक्टोपस के शिकंजे में फंस चुकी है। सुनहरी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे रोने में इतना दर्द छुपा है। अरे मोटू, तुम रोना बाद में, पहले सुनहरी की पूरी बात तो सुनना। पतलू, तुम जानते हो कि मेरा मन कितना कोमल है। सुनहरी की आप बीती है ही इतनी दुख भरी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। सुनहरी, फिर क्या हुआ, बोलो ना। मैं किसी तरह उनसे तो बच गई, पर इस एक्वेरियम के मालिक के जाल से खुद को नहीं बचा पाई। मुझे तो अपने परिवार के साथ रहना है, ना जाने वो लोग किस हाल में होंगे। पतलू, हमें सुनहरी की मदद करनी होगी। अरे मोटू, सुनहरी तुम दोनों चुप हो जाओ। हम सब मिलकर ऑक्टोपस वर्ल्ड जाएंगे और सुनहरी के परिवार को आजाद करवाएंगे। सच? तुम दोनों मेरी मदद करोगे, मेरे परिवार को ऑक्टोपस वर्ल्ड से निकालोगे? बिल्कुल सच सुनहरी, बिल्कुल सच। मोटू पतलू की जुबान,
दोस्तों पर कुर्बान, आज से तुम हमारी दोस्त हो। सुनहरी, ये लोग सच में तुम्हारी मदद करेंगे, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मैंने आज तक अपने जैसे किसी भी दूसरे ऑक्टोपस को नहीं देखा। जब से चीजों को समझा है, इस एक्वेरियम में ही खुद को पाया है। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। हम तो सुनहरी की मदद के लिए जा रहे हैं, कोई सैर सपाटे के लिए नहीं। प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो ना। ठीक है ठीक है। ये, ये। चलो, पर हमेशा हमारे साथ ही रहना। हाँ हाँ। वो तो एक तुम पकड़ो और एक मैं लेता हूँ। सुनहरी और ऑक्टो जैक्सन, तुम दोनों जल्दी से इस पैकेट के अंदर आ जाओ, जल्दी। हाँ। क्या हो रहा है ये? मैंने तुम दोनों को एक्वेरियम की हिफाजत के लिए रखा है और तुम दोनों खुद ही इनको चोरी करके भागने की फिराक में हो। नहीं नहीं सर, नहीं, चोरी करना तो हमारे संस्कारों में है ही नहीं। हम तो सुनहरी की मदद करने ऑक्टोपस वर्ल्ड जा रहे हैं। इसके मम्मी पापा भाई बहन सबको वहाँ पर कैद कर लिया गया है। ऑक्टोपस वर्ल्ड? सुनहरी की भाई बहन। क्या मजेदार कहानी सुनाई है। वापस रखो इन दोनों को। ये गोल्ड फिश और डांसिंग ऑक्टोपस ही तो मेरे शो के शो स्टॉपर हैं, और तुम इन्हें ही चुरा कर चंपत होना चाहते हो। सर, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। सुनहरी, तुम ही बताओ ना इन्हें, बताओ ना। गार्ड्स, पकड़ लो मोटू पतलू को और बाहर का रास्ता अच्छे से दिखा दो। मैनेजर सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें बाहर का रास्ता अच्छी तरह से पता है, हम खुद चले जाएंगे। पतलू चलो। मोटू, बाहर का रास्ता मतलब वो हमें धक्के मार कर बाहर निकालने वाले हैं। जाने ना पाए। वापस लेके आओ उन दोनों को। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ करो। सुनहरी की आंखें मुझसे पूछ रही है कि मैं उसकी मदद कर पाऊंगा कि नहीं। तो वहां से भागो जल्दी। पतलू जल्दी कुछ कराओ। आइडिया, मोटू, अगर इन गार्ड्स को हराना है तो समोसे खाओ और पूरा का पूरा एक्वेरियम ही यहाँ से लेकर भाग जाओ। पतलू, ये क्या कह रहे हो? मैं एक्वेरियम लेकर कैसे भागूंगा? मोटू मेरे दोस्त, समोसे खाने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो ये तो तुम्हें भी नहीं पता। जिस तरह हैमस्टर बॉल को लेकर दौड़ रहा था, वैसे तुम भी दौड़ जाओ। पतलू, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो फिर ले आओ समोसे, मैं एक्वेरियम के अंदर जाता हूँ। अभी लाया। रोको उसे।
फूल जाओ सिम्सिम। मोटू तो बच गया, पर इसे मत छोड़ना, पकड़ो इसे। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे ये क्या किया, समोसे मेरे लिए थे। सॉरी सॉरी सॉरी। बदलो और समोसे भेजो। अब क्या करोगे? अरे निकम्मो, उठो और पकड़ो उसे। जी बॉस। की बार कोई मेरे और मेरे समोसों के बीच में नहीं आएगा। अरे मैंने कहा था ना समोसे मेरे लिए थे। बदलो और समोसे भेजो। सॉरी सॉरी सॉरी। सुनहरी तुम इन सबको समझाना, अगर ये मुझे समोसे खाने नहीं देंगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ से बचना चाहती हो तो मोटू को समोसे खाने दो, वरना पूरी जिंदगी इसी गोले में बितानी पड़ेगी। नहीं नहीं, हमें भी यहाँ से जाना है। मोटू ये आखिरी प्लेट है, जल्दी खाओ और शुरू हो जाओ। खबरदार, किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो कोई भी समोसों को देखेगा भी नहीं। मोटू ले जाओ। ले जाओ क्या, ले जाओ कहाँ ले जाओ? मैनेजर सर, आपका एक्वेरियम मोटू समुंदर में ले जा रहा है, आखिरी बार दीदार कर लो अपने एक्वेरियम के। ओहो, मोटू मेरा इतना बड़ा एक्वेरियम अकेले समंदर में ले जाएगा? हमारा शो तो खत्म हो गया, अब मोटू का ही शो देख लेते हैं। तुम सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और रोको उसे। मैंने एक एक फिश खुद चुन चुन कर पकड़ी थी। जाओ। ओके बॉस। बचाओ, बचाओ। छटका कार लेकर जल्दी से एक्वेरियम पहुंचो। ये मोटू कहाँ जा रहा है यारी?
डॉक्टर झटका, बस मोटू के पीछे चलो, बाकी बातें बाद में बताता हूँ। मोटू पतलू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुनहरी ऑक्टो जैक्सन आ जाओ, साथ में रोलिंग डांस करते हुए चलते हैं। कम ऑन जॉनी। मेरे भाई, मेरी यार पतलू, अब तो बता दो ये सब चल क्या रहा है यारी? डॉक्टर झटका, एक्वेरियम में जो गोल्डन कलर की फिश है, उसके परिवार को समंदर में ऑक्टोपस क्वीन ने कैद कर रखा है। सुनहरी ने मुझसे और मोटू से अपने परिवार को ऑक्टोपस वर्ल्ड से छुड़ाने के लिए हेल्प मांगी है, इसीलिए मोटू एक्वेरियम सहित उन सबको समंदर में ले जा रहा है। मामूनी, तो क्या हम सब भी समुन्द्र में उन सबके साथ जाने वाला है? अरे अरे, वो देखो, फिशेस वाला एक्वेरियम लुढ़कते हुए जा रहा है। भागो, अरे सर, 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 वो मोटू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग उसका पीछा करते हुए समंदर तक आ गए हैं। अब क्या करें सर? कुछ भी करो, पर वो एक्वेरियम समंदर के अंदर नहीं जाना चाहिए। समंदर आने से पहले रास्ते में एक गगनचुंबी दीवार खड़ी कर दो। ओके बॉस। बॉस, हमने एक्वेरियम से तिगुनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है, अब उस मोटू का यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है बॉस। पतलू, आगे तो दीवार खड़ी है, अब मैं क्या करूँ? उससे टकराया तो एक्वेरियम टूट कर बिखर जाएगा और बेचारी सारी मछलियाँ जमीन में दम तोड़ देगी। जल्दी कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, डॉक्टर झटका कुछ जरूर कर लेंगे, तुम बस चलते रहो। डॉक्टर झटका कुछ करो, इस दीवार से एक्वेरियम को टकराने से रोको। तुम चिंता मत करो यार, जब झटका है साथ तो फिकर की क्या है बात। 1 2 3 गो यार। डॉक्टर झटका, इस लैंडिंग करने से पहले बताया तो होता। यार, इस बटन को क्या हो गया यारी? मामूनी, डॉक्टर झटका, जल्दी कुछ करो। Oh!
हो जाओ। वाह, समुंदर कितना सुंदर होता है। मेरा तो आज सच में डांस करने को मन हो रहा है। आओ, लेकिन अब जिसका यहाँ आए हैं वो करने के लिए आगे भी तो बढ़ना है। प्रोटेक्शन, बहुत डांस हो गया, अब हमें आगे जाना है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं, ये हमारे साथ नहीं चल सकता। इसकी बिरादरी वालों ने ही मेरे पूरे परिवार को कैद कर लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे लोगों ने सुनहरी के परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, पर इन सब में मेरी क्या गलती है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज। हो सकता है मुझे भी कोई अपना मिल जाए। मैं वादा करता हूँ किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सुनहरी मान जाओ, जैसे तुम अपने परिवार से मिलना चाहती हो, ऑक्टो जैक्सन का भी तो मन है अपने लोगों से मिलने का। ठीक है ठीक है, पर ये अपने काम से काम रखेगा और ज्यादा खीखी भी नहीं करेगा। इसको अच्छे से समझा दो। समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर चलो चल कर ढूंढते हैं कि किसने सुनहरी के परिवार को बंदी बनाया है। चलो। चांदनी फिर अंधेरी रात है। चमक लो जितना चमकना है, उसके बाद तो चमक को जाना है। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें कैद करके क्यों रखा है। मुझे तुम लोगों से कोई बैर नहीं है, पर हमारी रानी साहिबा की इच्छा है कि वो हमेशा तुम जैसे चमकती दमकती रहे। उन्हें तुम जैसा गोल्डन जो बनना है। मैं ठहरा सेवक, अब रानी साहिबा का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे तुम सबका सैक्रिफाइस करना होगा। तुम जो भी हो एक बात समझ लो, बाप का घड़ा जब ज्यादा भर जाता है ना, तो एक दिन फूटना जरूर है। कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा और तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। खुश होने के लिए बहाना अच्छा है, पर तुम लोग भी जान लो, आज तक मुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही रोकने वाला कभी कोई आएगा। बोल, यहाँ से अंदर का रास्ता खतरनाक है, संभल कर। रुको, यहाँ से आगे अगर तुम अपनी कार में जाओगे तो पकड़े जाओगे। लगता है कोई आ रहा है। जल्दी से सब लोग पहाड़ी के पीछे छुप जाओ। बिना कार के हम लोग पानी में सांस कैसे ले पाएंगे। फिकर नोट मेरे भाई, ये कैप्सूल पकड़ो यारी। इस कैप्सूल को खाकर हम सब बिना ऑक्सीजन मास्क के भी अच्छे से सांस लेकर तैर पाएंगे यारी। वो
मोटू ये लो, तुम भी एक गोली खा लो। ओ मेरे भाई मेरे यारो, ये है ऑक्टोपस किट। इसे पहनकर हम सब उनके जैसे ही दिखेंगे यारी। तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है यारी, अभी लाया। ये क्या कर रहे हो? इसे सुनहरी नहीं, अब कजरी बुलाना होगा। अब सुनहरी को कोई नहीं पहचान पाएगा। सपना पतलू, जरा मुझे चीटी काटना तो। समझ गया पतलू, ये सच है, कोई सपना नहीं। इसलिए मेरे जैसे कितने साइंटिस्ट आज भी नई नई खोज करते हैं। ओहो, चुप करो तुम सब, ऐसे तो किसी को भी हम पर शक हो जाएगा। जल्दी सब साइड हो जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था उसको साथ मत ले चलो। कहीं वो परेड में शामिल तो नहीं हो गया? जल्दी चलो। Thank you.
राजा होशियार। राजाओं के राजा, समंदर के राजा ऑक्टोजार पधार रहे हैं। राजा जी की जय, 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 राजा जी की जय। सेनापति, रानी साहिबा कहाँ है? राजा जी की जय, राजा जी की जय। बादब बामुलाइजा होशियार, समुंदर की रानी पेश हो रही है एक नए अवतार में। तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो गई है। पेंटर कहाँ है? जी रानी साहिबा। पेंटर, ये कैसा रंग लगाया? गुस्सा ना हो रानी साहिबा, मैं भी ठीक कर देता हूँ। ऑक्टोपा, इसे ऑक्टोसोरस के सामने डाल दो। नहीं रानी साहिबा, ऑक्टोसोरस के सामने मुझे मत डालिए। नहीं रानी साहिबा, प्लीज रानी साहिबा। ऑक्टोसोरस तो पेंटर को छोड़ेगा नहीं। उसके पास आज तक जो भी गया है कभी वापस नहीं आया, बेचारा। परेड शुरू की जाए। स्टार्ट परेड। यही है तुम्हारी सेना की ट्रेनिंग? ठीक तरह से खड़े तक नहीं हो सकते। तुम्हारा लीडर कौन है? सामने आओ। ये तो परेड का पुराना स्टाइल था। अरे कोई म्यूजिक तो ऑन करो, जरा कदम से कदम तो मिलाओ। ऑटो, शांति से खड़े हो जाओ, क्यों मरवाने का इंतजाम कर रहे हो? चिंगम सर, अगर इन सब जैसा दिखना है तो आप भी डांस करो। वो कौन है? उसने परेड की पूरी स्टाइल ही बदल डाली। बाद में उसे हमारे पास भेजना, हम भी डांस सीखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, हम बहुत खुश हुए। पर तुम सब हो कौन? पहले कभी तो यहाँ नहीं दिखे। दिखेंगे कैसे रानी साहिबा, हम सब आज ही तो यहाँ आए हैं। मेरा नाम मोटू है और ये मेरे दोस्त पतलू, वो डॉक्टर झटका, वो घसीटा राम, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन मतलब चिंगम। अच्छा मोटू, बता दो, सबको बता दो, वैसे भी अब ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू पतलू। ये तुम सब आपस में खुसर पुसर क्या कर रहे हो? रानी साहिबा, असल बात यह है कि हमारी एक दोस्त है सुनहरी, ऑक्टो वर्ल्ड के राजा ने उसके परिवार और उसके लोगों को कैद करके रखा हुआ है। हम सब सुनहरी के परिवार को छुड़ाने के लिए यहाँ आए हैं।
रानी साहिबा, मोटू के कहने का ये मतलब है कि हमने कुछ इंसानों को सुनहरी और उसके परिवार के कैद में होने की बात करते हुए सुना था, तो हमने सोचा कि हम लोग भी क्यों न जाकर देख आए कि उसका परिवार है कहाँ। बस और कोई बात नहीं। अरे सीधा सीधा रानी साहिबा को ये क्यों नहीं बता देते कि हम सब के सब इंसान ही है। रानी साहिबा ये रखिए। देखा रानी साहिबा, अब तो आपको यकीन हुआ ना कि हम सब इंसान हैं। मोटू तुमने यह क्या कर दिया? मोटू तुम बोलते रहो। रानी साहिबा बोलना क्या है, देखिए आप राजा साहब को बोल दीजिए कि सुनहरी के परिवार वालों को वो छोड़ दे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चाय नाश्ता करके निकल जाएंगे। आप सिर्फ चाय नाश्ता करके क्यों जाएंगे, खाना खा कर जाइएगा। आखिर आप सब तो हमारे खास मेहमान हैं। जय हो। थैंक यू रानी साहिबा। सच बताऊं मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे थे। पत्तू चलो, चलिए चलिए रानी साहिबा चलिए, बहुत भूख लगी है, चलिए। मोटू तुम्हारा उतावलापन मुझे किसी बड़ी मुसीबत के लिए आगाह होने को कह रहा है। हमारे डाइनिंग एरिया में आपका स्वागत है। बैठिए ना। जय हो रानी साहिबा की। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक्सपेरिमेंट गोल्ड इज बोल सक्सेसफुल होने वाला है। साइंटिस्ट तुमने तो दिल खुश कर दिया। अरे हाँ इनसे मिलो, ये हमारे खास मेहमान हैं, मोटू पतलू उनके दोस्त। हेलो साइंटिस्ट सर। अरे मेरे बड़े भैया भी फुरफुरी नगर के वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं। आप दोनों की तो खूब जमेगी। राजा साहब खाने से पहले आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। नहीं 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 नहीं, आज हमें कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए, इसको लगाने पर हमें बहुत दर्द होता है। राजा साहब कुछ दवाइयों से पहले थोड़ा दर्द होता है, पर आपकी सेहत में इसी इंजेक्शन से तो सुधार हुआ है। हाँ थोड़ा तो मैंने महसूस किया है, लगा दो। मैं तो चला सो रहे। अरे मोटू पतलू जी, आप सब तो हमारे खास मेहमान हैं। और मेहमान हमारे लिए ऊपर वाले का रूप होते हैं, इसलिए हम अब आपसे लंच करने की परमिशन चाहते हैं। बुढ़ी बाबा इतना अच्छा संस्कार कि लॉन्च करने से पहले परमिशन भी मांगते हैं। हम लोग लॉन्च का परमिशन देता है, दिया हमसे आप साथ में लॉन्च करेगा। ओके थैंक यू थैंक यू। ओ बॉय कौन मजा। रानी साहिबा खाना ही तो खाना है, अब फिर सीट बेल्ट की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि खाना आप लोग नहीं हम लोग गोल गोल घुमा कर खाएंगे। सुना है इंसान बड़े टेस्टी होते हैं। हाय यम। आई एम रानी साहिबा, मैं एक इंसान होने के नाते आपको फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंसानों का टेस्ट बिल्कुल टेस्टी नहीं होता। टेस्टी होता है। रानी जी आप मेरे दोस्तों को खा नहीं सकती। ये बच्चा कौन है? साइड में करो इस साइड हीरो को, इंसान कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते। अरे हो सकते हैं रानी साहिबा, इंसान बहुत ही अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आप सुनहरी से पूछ लीजिए।
ये तो काली मछली है, इससे क्या पूछो? रानी साहिबा खा गई ना आप धोखा। ये तो हम सुनहरी को काला पेंट करके यहाँ लाए थे ताकि ऑक्टो वर्ल्ड में कोई इसे पहचान ना सके। आप इसका पेंट निकलवा दीजिए। सुनहरी एक गोल्ड फिश है, इसके परिवार को छुड़ाने ही तो हम यहाँ आए हैं। ये तो सच में गोल्ड फिश है। वाह साइंटिस्ट, इसे भी बाकी गोल्ड फिश के साथ कैद कर लो। छोड़ो छोड़ो मुझे, मोटो पतलू बचाओ मुझे, मोटो बचाओ। सिपाही, इस छोटे ऑक्टोपस को महल में बंद कर दो और इस गोल्डन फिश को मैं संभालता हूँ। हम तुम सबको बचा लेंगे, तुम सबको बचा लेंगे। सॉरी पतलू सॉरी, मेरी वजह से सब बिगड़ गया। इन लोगों ने तो हमें दिन दहाड़े धोखा दिया है। अब मैं क्या करूं पतलू? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया मोटू, अभी सब कुछ भूल कर फुल स्पीड में गोल गोल घूमो। अरे रानी साहिबा, हम खींचे जा रहे हैं। बाय बाय रानी जी। अरे पकड़ो उन्हें, भागने ना पाए। पकड़ो। अरे पकड़ो उन्हें। अरे कहाँ चले गए? सबको पकड़ के ऑक्टोसोरस के सामने डाल दो। जी रानी साहिबा। भैया हम आजाद हो गए। जय हो। पकड़े गए। डाल दो इन्हें ऑक्टोसोरस के सामने। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। जाओ, मिल लो तुम्हारे अपनों से। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। हाँ सुनहरी। अरे ये कौन है? मॉम, डैड, आप? आखिरकार हम लोग मिल ही गए। पर बेटा सुनहरी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऑक्टोसोरस इनके जेलर का नाम होगा। हाँ। चलो चलो आगे बढ़ो, बातें बाद में करना। ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों बांध रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं मैं नहीं। एक क्या रहे हो? एक दो इन सबको भी अंदर। अरे अलग अलग खिड़कियों से अंदर फेंको इन्हें। मैं नहीं जाऊंगा। सब मेरे मरीजों के, मुझे तो ये जेल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है यारी। उन सिपाहियों ने हमें खामोखा डरा दिया यारी। मुझे तो वो जेलर ऑक्टोसोरस कहीं भी दिख नहीं रहा। बड़े भैया मैं उस पहाड़ी पर चढ़कर देखता हूँ। हम सब भी आए हैं यारी। पतलू, मुझे तो इस ऊंचाई से भी कोई ऑक्टोसोरस नहीं दिख रहा। प
पतलो, इतनी ऊपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको, मैं भी नीचे आता हूँ। यहाँ की स्लाइड तो बड़ी ही मजेदार है। पतलो, लगता है आगे कोई गुफा है, उसके अंदर जाके देखता हूँ। पतलो, इस गुफा में तो बड़ा ही खूब अंधेरा है। मत भागो, वो कोई गुफा नहीं है बल्कि वो तो पतलो, अच्छा हुआ कि तुम लोग भी यहाँ आ गए हैं, मुझे तो यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मोटू, ये कोई गुफा नहीं, ऑक्टोसोरस का मुंह है। थोड़ी देर इंतजार करो, बस पेट में पहुँचने ही वाले हैं। क्या? हम सब ऑक्टोसोरस के मुंह में हैं। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? पतलू, बोलो ना, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, सब लोग ऑक्टोसोरस को खूब गुदगुदाओ, खूब गुदगुदाओ। जैसे ही ऑक्टोसोरस हंसते हुए मुंह खोलेगा, हम सब बाहर निकल जाएंगे। लाखों पाए, कोई आने से पहले ही यहाँ से भाग जाए। पतलो, मैं कितनी देर से जा रहा हूँ, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तब से एक ही जगह पर हूँ। पढ़ोगे कैसे, हम लोग फिर फंस गए हैं। पीछे देखो। अच्छा हुआ तुम लोग पकड़ में आ गए, मैं भी तुम लोगों को खाना चाहता था। मेरी नजर से तुम लोग बेखबर ही रह गए। अब विद ऑल योर परमिशन, क्या मैं तुम लोगों को खा सकता हूँ? हम परमिशन नहीं देंगे। नो प्रॉब्लम, मैं उतना उसूल पसंद हूँ भी नहीं, बिना परमिशन के भी खा सकता हूँ। किसी को नाक और नाक खबर भी नहीं होगी। सेनापति नाको नाक नहीं, कानो कान होता है। कहावत में क्या रखा है, मैं रानी साहिबा को कह दूंगा कि गोल्ड फिश का एक झुंड आया और तुम सबको अपने साथ लेकर चला गया। किस्सा वहीं पर खत्म। भैया माँ, हम लोग आसमान से गिरे कंचूर पर अट के। मतलू, अब हम लोग क्या करेंगे? सब लोग आड़ी तिरछी दिशा में घूमो, ऑक्टोपस को लॉक कर दो। घूमियो 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 घूमियो। ऑक्टोपस, विद ऑल योर परमिशन, हेलो। ये तो निपट गया। सुनहरी की मदद करने से पहले हमें नन्हे ऑक्टो जैक्सन को बचाना है। तुम सही कह रहे हो मोटू, पर उसके लिए हमें फिर से महल में जाना होगा, क्योंकि ऑक्टो जैक्सन तो महल में कैद है। तो चलो। ये कैसा राजा है, राजा की सुरक्षा में है कोई सिपाही तक नहीं। चिंगम सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, इससे पहले कोई आए, निकल लो पतली गली से। पतलू, जो मुझे सुनाई दे रहा है वो तुझे भी सुनाई दे रहा है क्या? अरे क्या सुनाई दे रहा है मोटू? मैंने कहा था ना कि कुछ आवाज आ रही है। हाँ? मोटू, लेकिन तुम ये नहीं बताया था कि बातिक शार्क की आवाज आ रही थी। भागो, हम तो बातिक शार्क से काटवाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। पिस्तौल के तजुर्बा में हम ऐसा करंट को भी नहीं खाया। Yeah!
see here. Stop in the name of water. Stop! Stop! चिंगम सर, लगता है आपकी गोली यहाँ पे काम नहीं करेगी। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। फॉलो मी। मोटू, वो रहा ऑक्टो जैक्सन, हमें छुप के उसे वहां से लेकर आना होगा। ऑक्टो, ऑक्टो उठ जाओ, हमें यहां से निकलना है। उठ जाओ, उठ जाओ ऑक्टो। मोटू, तुम आ गए। मुझे यहाँ अकेले डांस करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोटू पतलू, तुम दोनों साथ होते हो तो डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। ऑक्टो, हम तुम्हें बचाने आए थे और तुमने इतनी जोर से चिल्लाकर सब बिगाड़ दिया। राजा अंकल माफ करना, मैंने आपको जगा दिया। कोई बात नहीं, तुम सब ऑक्टो जैक्सन को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तुम सब लोग दोस्त हो, तुम लोग जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। तुम लोग अच्छे लोग हो, मैं तुम सबकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि तुम लोग ऑक्टो जैक्सन को लेकर यहाँ से भाग। राजा साहब, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम सब यहाँ सुनहरी के परिवार को छुड़ाने के लिए आए हैं। मैंने सुनहरी से वादा किया है और मोटू पतलू की जुबान पर तो सब कुर्बान है। तुम्हारी दोस्ती को मैं सलाम करता हूँ, अगर तुम्हें गोल्ड फिशेस को ढूंढना है तो। राजा जी, आप कुछ कह रहे थे, उठिए, गोल्ड फिश को ढूंढना है तो उठिए। तुम सबको साइंटिस्ट के रिसर्च सेंटर पर जाना होगा। राजा साहब, उठिए, कुछ बोलिए। उसने ही सारी गोल्ड फिशेस को कैद करके रखा। थैंक यू राजा साहब, हम लोग चलते हैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात। चलो। वो इतनी रात में समुंदर में कुछ ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है यारी। वो हमने तो राजा साहब से साइंटिस्ट के ठिकाने के बारे में भी कुछ नहीं पूछा यारी। डॉक्टर झटका ठीक कह रहे हैं, रात में हम भटक सकते हैं, अभी कहीं छुप जाते हैं, सुबह होने पर ढूंढेंगे। तो उठो, उठो, देखो। अरे क्या पतलू, अभी तो मुर्गे ने बांग भी नहीं दी और तुमने मुझे नींद से उठा दिया। थोड़ा और सो लेता हूँ, तब तक तुम चाय बना लो। अरे मोटो, यहाँ कोई मुर्गा बांग नहीं देगा क्योंकि हम लोग फुरफुरी नगर में नहीं, ऑक्टोपस वर्ल्ड में है। को नहीं पता, इसकी आवाज से समंदर के सारे प्राणी सुबह जागते हैं। नहीं नहीं आए क्या? पतलू, सुना तुमने? वो देखो सी मुर्गा, यहाँ पर सब कुछ है पतलू। इतनी सारी वेल्स एक ही डायरेक्शन में कहाँ जा रही है? अभी मैंने एक वेल को गोल्ड फिशेस को मुंह में ले जाते हुए देखा है। जल्दी जल्दी सब उसके पीछे चलो। पत्तो, उन वेल्स को तो पता भी नहीं चला कि हम उनका पीछा कर रहे हैं।
हम लोग आज कितनी बार आसमान से गिरेंगे और खजूर पर अटकेंगे। चिंगम सर फिर से खजूर, अरे बार बार खाने की याद मत दिला, भूख लग जाती है। मोटू पतलू तुम लोग आ गए, मैंने तो यहाँ से निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये देखो मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया। वाह सुनहरी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिल गया। तुम लोग मेरे परिवार को छुड़ाओगे ना? सुनहरी तुम हिम्मत मत हारो। हाँ सुनहरी, हम सब मिलकर तुम्हारे पूरे परिवार को जरूर छुड़वा लेंगे। रानी साहिबा, आज आपका परसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई, आप गोल्डन कलर की बनने के लिए तैयार हो जाइए। साइंटिस्ट, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जो करना है जल्दी करो, समझे? जी रानी साहिबा। जिसका मुझे इंतजार था आखिर वो घड़ी आ ही गई। जल्दी बाहर निकालो और हमारे पास लेकर आओ। आए हो तो मेरा चमत्कार, मेरा आविष्कार तो देखते जाओ। आज से पूरे सातों समंदर में मैं अकेली गोल्डन ऑक्टोपस होंगी। ना कोई हुआ है ना कोई और होगा। मेरी प्यारी रानी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम एक अकेली ने कितनी मासूम गोल्डफिशेस से उनका रंग छीन लिया। क्यों न करूं? है? क्यों न करूं मैं? तब इन्होंने मेरे बच्चे के बारे में सोचा था, जो आज मैं इनके बारे में सोचूं? आप भूल गए होंगे राजा साहब, मगर मुझे आज भी याद है कि इन सुनहरी मछलियों के झुंड ने कैसे मेरे नन्हे से बच्चे को उठा के ले जाने की हिमाकत की थी। आपके बेटे को गोल्ड फिश उठा कर ले गई थी? हाँ, आज से कुछ साल पहले मेरी नन्ही सी जान को खेलते समय इन सुनहरी मछलियों का एक झुंड उठा कर ले गया था। गोल्ड फिशेस का एक झुंड ले गया था, ये बात तो सुनी हुई लगती है। मैं रानी साहिबा को कह दूंगा कि गोल्ड फिश का एक झुंड आया और तुम सबको अपने साथ लेकर चला गया। किस्सा वहीं पर खत्म। याद आया, रानी जी कहीं ये बात आपसे सेनापति ऑक्टोपस ने तो नहीं कही? हाँ, उसी ने हमें बताया था, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? रानी जी आप इसी गलत फहमी का शिकार हुई है, ऐसी ही बात सेनापति ने हमसे भी कही थी, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बेटे को गायब करने में इसी का हाथ है और इल्जाम बेचारी इन गोल्ड फिशेस पर आ गया। सेनापति हमारा वफादार है, तुम सब अपनी जान बचाने के लिए ये कहानी बना रहे हो, खत्म कर दो इन सबको। आप मेरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे नहीं बोलते, हटो यहाँ से। ज-
छोड़ो। एक मिनट, तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा? ये तो मेरे गले पर बचपन से है। ये तो हमारा खानदानी निशान है। इसका मतलब तुम ही मेरे नन्हे से ऑक्टो हो। मेरा बच्चा। बधाई हो रानी साहिबा, आप अब बैठ जाइए, एक्सपेरिमेंट खत्म होने में थोड़ा सा वक्त और है। क्या बात है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये रंग, ये मेरा सुनहरा रंग। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? रानी साहिबा, आपको जानकर शौक लगेगा कि गोल्डन ऑक्टोपस बनने का सपना तो मेरा है। आप तो सिर्फ मोहरा थी जिस पर मुझे अपना ट्रायल करना था। आपको गोल्डन ऑक्टोपस का सपना दिखा दिखा कर मैंने जो चाहा करवाया। अब मैं बनूंगा द ग्रेट गोल्डन ऑक्टोपस ऑफ द वर्ल्ड। पकड़ लो सबको। धोखेबाज गद्दार। धोखेबाज गद्दार, जो चाहे कहो। धोखा, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। साइंटिस्ट भैया, तुमने जो किया सो किया, तुम्हें खुद पर बड़ा गुमान है, पर हम इतनी सारी जिंदगियों के साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करने देंगे। पकड़ो उन्हें, मेरी सालों की मेहनत पानी में बहा रहे हैं। फिशेस को जाने से रोको। साथियों, मोटू पतलू उनके दोस्तों ने हम सबको आजादी दिलवाई है, अभी हमें उन्हें बचाकर अपना फर्ज अदा करना है। चलो मेरा साथ दो। पूरन मासी की रात है और कल ही मेरा राज तिलक होना है। पकड़ो उन्हें। सबको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी, मेरा मतलब अफसोस हो रहा है कि अब राजा साहब की तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। रानी साहिबा अकेले क्या क्या संभालेंगी, इसलिए समुंदर के राजा का ताज आज से मेरे सर होगा। क्या करें, मजबूरी है। साइंटिस्ट भैया, ताजा खबर तो ये है कि आज तुम्हें ताज नहीं मिल पाएगा। तुम पांचों रोकोगे मुझे? साइंटिस्ट, हम अकेले नहीं, हमारी फौज साथ आई है। ये तुम्हारी फौज है? जो इतने सालों से खुद को नहीं बचा पाई वो आज मेरा सामना करेंगी। साइंटिस्ट भैया, आज तुम्हारा सारा घमंड ये गोल्डन फिशेस चूर चूर कर देंगी। हमला! डरो मत सुनहरी, इस अकेले साइंटिस्ट से क्या डरना? मोटू वो अकेला नहीं है। अरे ऐसा कौन है उसके साथ? तुम यहाँ कैसे? मेरा अपना पेट है, इसको मैंने ही अपने एक्सपेरिमेंट से इतना बड़ा बनाया है। मैं जो कहता हूँ ये वो करता है।
Allow him to have lunch. अरे काहे का लंच? कैसा लंच? Permission not granted. Octosaurus, तुम अपने घर चलते बनो. यह हमारा आपस का मामला है. हम लोग निपट लेंगे. अरे भैया! जानवरों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन अभी तुम सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उठो मोटू, तुम ठीक तो हो ना मोटू? सुनिए व्हेल मछलियों, अरे सुनिए तो, आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, जरूर करेंगे। इस साइंटिस्ट ने हम पर भी बड़े जुल्म किए हैं। हमें कुछ समोसे की जरूरत है, ला दोगी? पर मैं समोसे कहाँ से लाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, चिंगम सर लेकर आएंगे, बस तुम उनको साथ ले जाओ। चिंगम सर, जल्दी समोसे लेके आओ। यस। समोसे के लिए थैंक यू। चलो। मोटू, समोसे। ऑक्टोसोरस भैया, अब आ जाओ, हो जाए आर पार की लड़ाई। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। छोड़ो मुझे, इसे कुदकुदी दो यार। मारना मत, मारना मत। मत करो, मत करो। आउट, 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 आउट। जैक्सन, हम तुम्हें छुड़ाने आ गए। ले लो। चिंगम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये लो, इडली डोसा, सांभर वड़ा, चटनी उत्तपम, मसाला डोसा। यस। चिंगम सर, हमने इनको बिना बुने हुए ही ऊन के गोले बना दिए। इतना बड़ा शरीर किसी काम का नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
अच्छा तुम नहीं, अब हम करेंगे। ओ, ये क्या चीज है? ओ, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भैया तुम्हारा ऑक्टोसोरस तो ढेर हो गया, अब आ जाओ, हम और तुम 1-on-1 फाइट करते हैं। अब क्या फाइट करना, मेरी बरसों की मेहनत को तो तुमने चूर चूर कर डाला, गोल्डफिशेस को पानी में बहा डाला, ऑक्टोसोरस का दम निकाल डाला। पापा तो फिर तय रहा कि अब हम सब की हर दिन चांदनी है और तुम्हारी जीवन भर अंधेरी रात। नहीं, मोटू पतलू जी मुझे भी माफ कर दीजिए, सत्ता के लालच में मैंने आंखों पर झूठ और फरेब की पट्टी बांध ली थी। सुनहरी मछलियों, मैं आप सबसे भी माफी मांगती हूँ। I'm sorry, प्लीज माफ कर दीजिए। मोटू पतलू, मेरे पूरे परिवार और मेरी तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सब बिछड़ों को फिर से मिला दिया। थैंक यू मोटू पतलू। मोटू पतलू, तुम मेरे साथ कभी कभी डांस करने आओगे ना? बिल्कुल आएंगे ऑक्टो, जरूर आएंगे। लेकिन जाने से पहले क्यों ना थोड़ा डांस हो जाए।